नमस्कार। क्या हो गया? आपने लीडर्स को स्टेज के ऊपर देखा, सब शांत हो गए, क्या हो गया? कितने लोग आना चाहते हैं स्टेज के ऊपर? यू नो वंडरफुल, यस यू नो रिकॉग्निशन ये बिजनेस में बहुत ही अच्छा यू नो पार्ट है। दुनिया में हो सकता है बहुत सारे लोग पैसे कमाते हो, लखपति है, करोड़पति है, लेकिन ये बिजनेस में जो रिकॉग्निशन मिलता है, पीपल डाई फॉर रिकॉग्निशन, आई कैन टेल यू। और ये बिजनेस की वो खासियत है। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट क्या करना है ये बिजनेस में, यू नो आगे क्या करना है? हो सकता है यू नो इस हाल में नए लोग हैं, कुछ लोगों ने ये बिजनेस अभी अभी शुरू किया है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कहाँ पे, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको ये समझना पड़ेगा कि हाँ ये बिजनेस में कंस्ट्रक्शन क्या है, मेरा रोल क्या है यहाँ पे समझना पड़ेगा। ओके, तो आप जब बिजनेस शुरू करते हैं, आप यहाँ पे है, यू आर हियर, ओके, आपका कोई मित्र, आपका कोई पड़ोसी या जो भी है वो आपकी अपलाइन बन जाता है, स्पॉन्सर, ओके, बराबर है। वो आदमी आपको आके ये बिजनेस दिखाता है, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एंड अगर आपको अच्छा लगता है देन आप निकाल के पैसे दे देते हो। अच्छा, अभी ये सिंपल सा ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, यू नो कि आप कुछ करना चाहते हैं कि आपका दोस्त आके आपने उनको उन्होंने आपको ये बिजनेस के बारे में बताया, आपको अच्छा लगा, आपको जरूरत लगी, आपको ये सब कुछ ठीक ठाक लगा, आपने शुरू कर दिया, ओके, और आपने अपने पैसे दिए, सिंपल सी बात है। दिस इज वॉट यू नो ही इज द पर्सन जो आपको ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा। दूसरी चीज है यहाँ पे ये कंपनी है, कॉरपोरेशन है, एमवे, ओके, ये एमवे कॉरपोरेशन है जहां से हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, जिस कंपनी के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, ओके, और यहाँ पे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। इस चीज को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जब बिजनेस शुरू कर दिया तो लोग बोलते हैं कि हमने एमवे का बिजनेस शुरू किया। मैं भी बोलता था शुरू शुरू में, मैं क्या करते हो, एमवे करते हो, एमवे गलत, आप खुद का बिजनेस कर रहे हो। एमवे इज अ सप्लायर टू यू, यू आर नॉट डूइंग एमवे बिजनेस। हेलो, आप एमवे बिजनेस कर ही नहीं सकते हो। एमवे ने इंडिया में आने के लिए करोड़ों रुपए की लागत की है, इन्वेस्ट की है। हमने कितने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, और एमवे ने करोड़ों रुपए लगाए, बराबर है। तो हम एमवे का बिजनेस कर ही नहीं सकते। एमवे इज अ सप्लायर टू अस। क्या सप्लाई करता है? प्रोडक्ट्स, विच इज अ नंबर वन सप्लायर इन द वर्ल्ड। हेलो, इस चीज को जानना है, जानना अगर है तो इस चीज को जानना है कि एमवे इज अ नंबर वन सप्लायर इन द वर्ल्ड। हाउ? टेक नॉलेज, इंफॉर्मेशन लीजिए, प्रोडक्ट्स। बिजनेस साइन अप किया 4400, आने के बाद एक डब्बा घर में आता है, ये डब्बा है, उसको बिजनेस किट कहा जाता है। सबके घर में डब्बा आया? सब लोग डब्बे वाले बिजनेस में है? मेरे घर में भी डब्बा आया था, सिंपल। लेकिन घर में डब्बा आने के बाद जो घर में स्टोरी बनती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बराबर। हमारे घर में भी स्टोरी बनी थी, जब डब्बा आया था उसके बाद में बहुत कुछ हुआ था, ओके। डब्बा हर एक ने खोला होगा, किट खोली है हर एक ने, चेक निकला उसमें 50,000 रुपये का, नहीं मेरे डब्बे में भी नहीं था, ओके। तो ये बिजनेस किट है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ लिटरेचर है, प्रोडक्ट्स को ट्राई करना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी है। नंबर वन, आपका बिजनेस आगे कब शुरू होगा? जब आपको प्रोडक्ट के अंदर फेथ डेवलप होगा, आप कन्विंस हो जाएंगे प्रोडक्ट के बारे में। हाँ, ये बढ़िया प्रोडक्ट है, ग्लिस्टर टूथपेस्ट नंबर वन बढ़िया टूथपेस्ट है, LOC, SA8, EPSA80, जो भी है, न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है, जिसके भी बारे में आप यू नो प्रोडक्ट रेंज है एमवे का, उस यू नो वो आप ट्राई करेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेंगे या डेमोन्स्ट्रेशन सीखेंगे खुद, बाद में आपको पता चलेगा प्रोडक्ट्स आर नंबर वन। ये करते करते आपको कॉर्पोरेशन के बारे में उनके बाकी क्रेडेंशियल्स भी मालूम होते जाएंगे, ये कैसे कंपनी है, कितने साल पहले शुरू हुई, किसने शुरू की, कैसे शुरू हो गई, कितने देशों में काम करती है, कितने पेटेंट्स है, बहुत बहुत इंफॉर्मेशन इसके बारे में, और इस इंफॉर्मेशन को जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कुछ लोग ये डब्बे में जो आते हैं ना सामान, उसको ही बेच के अपना 4,400 रुपये वसूल करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत सेफ खेलना चाहते हैं ना, उनको उनको पता है अभी ये सामान तो हमको थोड़ा यूज करना है। हेलो, ये सामान हमको नहीं यूज करना है, जितना जल्दी मैं पैसा इसमें से रिकवर करूं उतना अच्छा है। यस और नो? होता है, कुछ लोग करते हैं, बराबर है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हमको दिए हैं किस लिए दिए हैं? ट्राई करने के लिए, यूज करने के लिए। अगर आप यहाँ पे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के नाते हैसियत से बैठे हो, अगर और घर में प्रोडक्ट्स नहीं यूज हो रहे हैं, तो आप कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं? जो यू नो ये यहां से सामान आता है, मैं इसके बारे में लोगों को बताने जाने वाला हूं, और मैं ही खुद प्रोडक्ट नहीं यूज करता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्राइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम,
प्रोटीन पाउडर के डब्बे में तो हमारा यू नो महीने का किराना आ जाता है, ऐसे कैसे होगा? यू नो यू नीड टू कन्विंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये सब समझना पड़ेगा प्राइस के बारे में, कॉस्ट के यू नो कॉस्ट पर यूज डाइल्यूशन रेशियोज क्या है वो यूज करना पड़ेगा, कॉर्पोरेशन के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी और अपना विश्वास यू नो बढ़ाना पड़ेगा। ये किट इसलिए दी जाती है, बिजनेस इसी से शुरू होता है, हमारा भी बिजनेस इसी से शुरू हुआ है, हमने भी इसी से शुरू किया, एक किट से शुरुआत की है। डायरेक्टली हम लोग यू नो प्लैटिनम या एमरल्ड नहीं गए, हमने भी 3% से शुरू किया है। ओके, तो ये सब जानने के बाद क्या होता है, दूसरी चीज है ब्रिट वर्ल्ड वाइल्ड सिस्टम। ये जो ब्रिट वर्ल्ड वाइल्ड सिस्टम है, इस चीज को जानना है। ये चीज क्या है? ये एक एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम यानी कि आपको ये बिजनेस कैसे करने का या कैसे आगे बढ़ाने का इसके बारे में जानकारी देंगे। किसके द्वारा? तीन चीजों से ये सिस्टम बनता है, बुक्स, टेप्स एंड फंक्शंस। बुक्स, टेप्स एंड फंक्शन, तीन चीजों का ये सिस्टम है। ये सिस्टम किसने बनाया? बिल ब्रिट, जो इस बिजनेस में बहुत ही सबसे बड़े मुकाम पे है अभी, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में। मेरे ख्याल से ब्रिट ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस 65-70% है ऑलरेडी, जो भी टर्नओवर हो रहा है। ओके, तो ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है और ये तीन चीजों से ये बना है, बुक्स, टेप्स एंड फंक्शन। बुक्स कौन सी? अभी कॉलेज में थे तो बहुत बहुत सारी किताबें पढ़ी, उससे क्या फायदा हुआ? नौकरी मिलने के लिए फायदा हुआ। नौकरी से क्या फायदा हुआ? पेट भरने के लिए फायदा हो गया, सुबह शाम एक स्कूटर मिला, एक घर मिला जिसपे लोन है, हेलो, बराबर है। लेकिन बाकी कुछ मजा नहीं आया लाइफ में, यूएसए नहीं घूमने के लिए जा सकते उससे, या और कुछ चीजें नहीं कर सकते, बराबर है। तो बुक्स कौन सी पढ़नी है? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स, पीएमए बुक्स, यू कैन विन, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बराबर है, स्किल विद पीपल, छोटी छोटी किताबें हैं, 5-6 किताबें। अगर आप नए हैं, अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया तो यू हैव टू स्टार्ट विद एटलीस्ट 4-5 बुक्स। लॉन्चिंग योर नाम की एक किताब आती है, ये किताबें हमारे पास होनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। लोग 4,000 से लगा देते हैं लेकिन ये चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। कोई भी बिजनेसमैन पहले इन्वेस्टमेंट करता है और बाद में सोचता है, बाद में वेट करेगा वो। कोई भी डॉक्टर है तो वो पहले सीखेगा, डिग्री लाएगी उसकी, यू नो जगह लेगा, वो कुछ फर्नीचर बनाएगा, यू नो अलमारी बनाएगा, मेडिसिन रखेगा, टेबल बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, फैन लगा देगा ऊपर, सब कुछ करेगा। और ये सब करने के बाद, इतना सब इन्वेस्टमेंट, स्टडीज करने के बाद, टाइम देने के बाद, पेपर पढ़ते बैठेगा, क्यों? पेशेंट का वेट करेगा। वेरी सिंपल, इमीजिएटली पैसा नहीं आता है। वी नीड टू डेवलप, हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने आप में। वो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? टेप्स है हमारे पास, मैकेनिक्स टेप्स है, रैली टेप्स है, मैकेनिक्स की टेप है। कैसे, हाउ, कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, कैसे लिस्ट बनाई जाए, कैसे प्लान दिखाना है, मैकेनिक्स। रैली की टेप्स होती है, स्टोरीज होती है, सक्सेस स्टोरीज, यू नो जो एमरल्ड्स बने हैं, जो डायमंड्स बने हैं, उनकी रैली की टेप्स होती है, उनका बैकग्राउंड, उनका ये सब स्ट्रगल, ये स्टोरी सुनने के बाद हमें लगता है कि हाँ, अरे ये आदमी कर सकता है, इसको भी ये सारी कठिनाइयां आ गई तो हम भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल, रिलेटेबिलिटी बढ़ जाती है वहां पे, बराबर है। तो टेप्स होती है, मैकेनिक्स की टेप और रैली टेप्स। फंक्शंस, ये एक फंक्शन हो रहा है, अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं। ओपन मीटिंग होता है, हर हफ्ते एक ओपन मीटिंग होता है, हर महीने में एक बार ऐसे बीबीएस होता है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार होता है, हर 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद एक मेगा फंक्शन होता है, बराबर है। तो ऐसा एक फंक्शन, वीक में एक बार ओपन मीटिंग, हफ्ते में एक बार ओपन मीटिंग, महीने में एक बार इस तरह का फंक्शन, अगर आपकी टीम मीटिंग होती है तो वो एक है, और मेगा फंक्शन 4-5 महीने के बाद, जो एक बहुत बड़ा अभी आने वाले, यू नो एक फंक्शन, बहुत बड़ा फंक्शन पुणे में होने जा रहा है, लोग जानते हैं? यस, आप एक्साइटेड है उसके लिए? यस, कितने लोग आएंगे उस फंक्शन में? वंडरफुल। वो फंक्शन जो होगा वहां पे, ये फंक्शन, मेगा फंक्शन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि मेगा फंक्शन, बड़े फंक्शन में बड़े निर्णय लिए जाते हैं। हमने डायमंड जाने का निर्णय कहां पे लिया? लास्ट ईयर की एफडी में लिया। यू नो लोग आते थे, म्यूजिक चलता था, वो लोग हाथ ऊपर उठाते थे, यू नो सब कुछ होता था, लेकिन हमने वहां पे डिसीजन किया कि अगली एफडी में हम डायमंड बन के आएंगे। कुछ बाकी प्रॉब्लम था क्या? नहीं। यू नो सिंपल, अगर आपको बड़ा डिसीजन लेना है तो बड़े फंक्शन में जाना पड़ेगा। अगर आपको ये बिजनेस बड़ा करना है तो बड़े फंक्शन में जाना, छोटा काम करना है, हाँ,
प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में चले जाओ। छोटा छोटा काम, छोटा फंक्शन, बड़ा डिसीजन, बड़ा काम कुछ करके दिखाना है तो बड़े फंक्शन में जाना पड़ेगा, बड़ा बिजनेस करना है। वेरी सिंपल, फंक्शन की बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है। आज का फंक्शन है, इसका इफेक्ट एक दो तीन दो दिन रहेगा, लेकिन फिर से बाद में थोड़ा सा भूल, यू नो, एक्साइटमेंट कम होते जाएगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? टेप्स है, उसके लिए वीकली मीटिंग्स है। दिस इज अ सिस्टम। सिस्टम से क्या होता है, हमारा एटीट्यूड जो है ना वो सही रहता है। ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए एक विनिंग एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है, और वो एटीट्यूड डेवलप होता है ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम से, और इसलिए ये सिस्टम जरूरी है। ओके, तो ये सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम यूज करने की कुछ कीमत है। हेलो, इट्स नॉट फ्री। एनीथिंग फ्री हैज गॉट नो वैल्यू। कोई भी चीज अगर आपके पास मुफ्त आ रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब पैसा देना पड़ता है तो वैल्यू समझ में आती है, बराबर है। यहां से बहुत बड़ा काम हो गया हमारे पूना शहर के लिए। पूना से बंबई जाने के लिए एक्सप्रेस हाईवे बन गया। सब लोगों ने एक्सप्रेस हाईवे से अभी तक जर्नी किया सब लोगों ने? यस, बहुत बहुत अच्छा है, एकदम प्लीजेंट, जैसे आप यूएसए में हो ऐसे लगता है, बहुत अच्छे तरह से बनाया है। लेकिन यहां से जब आप पूना से अपनी गाड़ी निकालोगे, थोड़ी दूर जाओगे तो टोल नाका आता है, टोल टैक्स। वहां पे बोलता है कि अगर आपका कार है तो 100 का पत्ती दे दो, बराबर है। इफ अगर आपको वो फैसिलिटी, वो रोड अगर यूज करना है तो 100 रुपया निकाल के देना है। अगर आप 100 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रोड है अभी भी, हाँ, बराबर है, उसको कोई डिवाइडर नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ, यू नो, सिंपल थिंग। अगर कुछ आपको फैसिलिटी यूज करना है तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी। यू नो, हम लोग यूएसए जाके आए, वहां पे एयरपोर्ट पे जो ट्रॉली होता है लगेज लेके जाने के लिए, उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। $2 जेब में से निकाल के उसमें डालो तभी वो ट्रॉली बाहर आता है, नहीं तो नहीं। इफ यू वांट टू यूज द ट्रॉली, पे $2। $2 यानी कितना हो गया? हेलो, इंडियन करेंसी में हमारा बहुत कैलकुलेशन चलता है। मैं न्यू ना उछलून कशला इतना, बराबर है, सिंपल। $2 देने के तकरीबन 100 रुपया हो गया। हेलो, सिर्फ ट्रॉली यूज करने के लिए 100 रुपये में तो यू नो हमारा आदमी यहां से सर पे रख के घर में पहुंचा देगा इंडिया में, बराबर है। लेकिन कोई भी द मैसेज क्या है यहां पे, अगर आपको कुछ इस्तेमाल करना है, यू नो, एनीथिंग फ्री हैज गॉट नो वैल्यू, बराबर है, उसकी वैल्यू नहीं है, कीमत देनी पड़ेगी। यू नो, हैव डेवलप दैट इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। अगर आपको ये बिजनेस लंबा बिल्ड करना है, बहुत दूर जाना है, तो बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, प्लग योरसेल्फ इनटू द सिस्टम। एम्वे कंपनी इज ग्रेट, एम्वे कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, इट्स अ ग्रेट कंपनी, ग्रेट प्रोडक्ट्स, यू नो, दे हैव पेटेंट्स, 43 इयर्स ऑफ यू नो ट्रैक रिकॉर्ड, सब कुछ है, Fortune 500 कंपनी, ये है वो है, सब कुछ। नो डाउट आई एम एक्साइटेड अबाउट एम्वे, बट आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट द ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, क्योंकि यही एक सिस्टम आपको बिजनेस में रखेगा, बिजनेस आगे कैसे लेके जाना है वो सिखाएगा। ओके, विच इज अ प्रोवन सिस्टम। तो एमवे के बारे में हो गया, ब्रिट वर्ल्ड वाइल्ड के बारे में हो गया। नाउ कम्स द टर्न ऑफ अपलाइन, 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 सिंपल। वो क्या है, एक तो चीज है, उन्होंने हमको बिजनेस दिखाया और इससे ऐसे हम लोग जुड़ गए अपने अपलाइन के साथ में। ओके, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो हमारा अपलाइन हमको हेल्प नहीं करता है, या यू नो उसका अपलाइन उसके लिए वो करता है, उसका वो करता है, उसका अपलाइन आके पैर दबाता है, तुम कुछ नहीं करते हो हमारे लिए। पीपल कंप्लेन, यू नो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। हमने ये बिजनेस क्यों बड़ा किया? नंबर वन, हमने एक ही चीज को समझा कि हमारे लिए अपलाइन ने सबसे अच्छा क्या काम किया, उन्होंने हमको बिजनेस दिखाया, उन्होंने हमको इस काबिल समझा कि आप ये बिजनेस कर सकते हो। अगर उन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा होता तो मैं अभी भी उसी कंपनी में फर्स्ट सेकंड थर्ड शिप कर रहा होता। तो आई थैंक माई अपलाइन, मैं अपनी अपलाइन को थैंक यू बोलता हूं हमेशा। पहले क्या, थैंक यू अपलाइन फॉर ओपनिंग द डोर, थैंक यू अपलाइन फॉर यू नो
ये चीज, ये भाव होना चाहिए अपने अपलाइन के प्रति। इसके बावजूद अगर अपलाइन आपके लिए कुछ कर रहा है, दैट इज अ बोनस फॉर यू, दैट इज अ बोनस, वी हैव ट्रीटेड लाइक दैट। अगर कोई हेल्प मिल रहा है, दैट इज अ बोनस, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, टेक चार्ज ऑफ इट, दिस इज माई बिजनेस, दिस इज नॉट माई अप्लायंस बिजनेस, नॉट एमवेज बिजनेस, नॉट ब्रिट वर्ल्ड वाइड बिजनेस, नॉट माई डाउनलाइन बिजनेस, दिस इज माई बिजनेस, आई विल टेक चार्ज ऑफ इट। And when you take charge, things start happening. When you take charge, things start happening. आपका you know business होना शुरू हो जाएगा, आपके business में excitement आना चालू हो जाएगा, आपके business में लोग आना शुरू हो जाएगा, आपका आपका PV, आपका you know group, you know जो भी parameter आप देख रहे हैं, जो आप चाहते हैं, आपके group में होना शुरू हो जाएगा। Don't worry about it. तो इसका मतलब क्या है? You is very important. You. इसीलिए तो मैंने उस आदमी का नाम लिखा है ना आपको। हेलो, भूल गए क्या उस आदमी का नाम? हाँ, अभी तो लिखा था, फिर से लिखा है एक बार, जरूरी नहीं है ना, भूले नहीं ना। कोई तो पूछ रहा था कि ईमेल आईडी भी लिख दो, हाँ मैं बोला ईमेल आईडी भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहां पे एक चीज देखिए दोस्तों, एमवे इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, एमवे इज 100% सक्सेसफुल, 43 साल से 43 से सक्सेसफुल है, कामयाब है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज 100% सक्सेसफुल, उन्होंने दुनिया भर में डायमंड्स पैदा किए हैं, इंडिया में डायमंड्स पैदा कर रहे हैं, प्लैटिनम पैदा कर रहे हैं, यू नो डायमंड एमराल्ड्स पैदा कर रहे हैं। आपकी अपलाइन में कोई ना कोई आदमी ये 100% बिजनेस उसके लिए वर्क कर रहा है। हमारे अपलाइन में आवर अपलाइन डायमंड इज राजशाह, वो राजशाह अभी तो डबल डायमंड जा रहे हैं। उनके अपलाइन है यू नो कुलीन देसाई, उनके अपलाइन है कांति लता गाला, ये उनके लिए तो बिजनेस वर्क कर रहा है, दे आर मेकिंग इट हैपन। एमवे हो गया, ब्रिट वर्ल्ड वाइड हो गया, अपलाइन हो गया, बाकी कौन बचा? यू। इफ यू मेक इट 100%, अगर आप इसको 100% करेंगे तो ये सब आपके लिए काम करना शुरू हो, आपके लिए वर्क करेगा। सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको चार्ज लेना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। सवाल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट वरी अबाउट द हाउ, हाउ में मत ज्यादा उलझ जाना, कैसे करना है, क्या करना, यू नो इसमें ज्यादा उलझ मत जाना, क्यों करना है उसके ऊपर ध्यान देना है, व्हाई। ये बिजनेस में हमारी अपलाइन ने यू नो हमको बताया व्हाई ये बिजनेस में इट इज 95% एंड हाउ इट इज ओनली 5%। ये बिजनेस में कैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आप यहां पे क्यों बैठे हो, आपने वो बिजनेस साइन अप क्यों किया, और वो ढूंढना पड़ेगा। अगर अभी तक मिला नहीं है, बहुत बार होता है कि ये नहीं, बहुत कुछ हमारा सब ठीक ठाक है, नौकरी है, बिजनेस है, सब कुछ आ रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ, राजा रानी का संसार, काई प्रॉब्लम नहीं, वो ढूंढना पड़ेगा, वो जरूरत यू नो वो क्या, कौन सी चीज है जो हम चाहते हैं ये बिजनेस में। और मैंने कैसे सीखा, आई वॉज नॉट अ सीरियस ड्रीमर, मुझे किसी ने नहीं बताया था आपको मर्सिडीज मिल सकता है, आपको हेलीकॉप्टर मिल सकता है, किसी ने नहीं बताया था मेरे पास लैंसर होगी, किसी ने नहीं बताया था, लेकिन यू नो हमारी अपलाइन की मदद से हमने वाई ढूंढना शुरू किया। उन्होंने बताया कि आपकी यू नो जिंदगी में क्या प्रायोरिटीज क्या है, क्या चाहते हैं आप, बोला वो बहुत कुछ चाहिए, पैसे पैसे चाहिए, कितने चाहिए, क्या चाहिए, वो नहीं बता सकते। तो सिंपल उन्होंने बताया कि आप ऐसे करो, आपके जिंदगी में आपको क्या नहीं चाहिए वो लिखो। हेलो, कितने लोग नौकरी जाना पसंद करते हैं? कोई नहीं चाहता, वो नहीं चाहिए, बॉस नहीं चाहिए, लिखो वहां पे बॉस नहीं चाहिए। जो घर में रहते हैं वो घर अच्छा लगता है, नहीं लगता है, इससे बड़ा घर तो ये घर में नहीं रहना है, ये गाड़ी वो अच्छी नहीं लगती है, जो नहीं चाहिए वो लिखो और उसको बाद में पॉजिटिव करो, तो आपको मिल जाएगा आपका कारण। बराबर है, सिंपल सी बात करनी है, आपको आपका व्हाई ढूंढना पड़ेगा, आपकी आपको अपनी जरूरत ढूंढनी पड़ेगी, आपको अपनी नीड ढूंढनी पड़ेगी। इच्छा और जरूरत में फर्क है, इच्छा और जरूरत में फर्क है, वो ढूंढना पड़ेगा। जिस दिन आपको अपना व्हाई मिल गया, जिस दिन आपको अपना सपना, आपको अपना ड्रीम मिल गया, उस दिन आपका यह काम शुरू। फाइंड आउट 5 reasons, 5 चीजें ढूंढिए कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। फाइंड आउट 5। हमको एमरल्ड से डायमंड जाना था, हमने फिर से रिविजिट किया हमारा ड्रीम लिस्ट, हमने 5 ऐसी चीजें ढूंढी कि क्यों हमें डायमंड जाना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था। व्हाई यू वॉन्ट टू बिकम
डायमंड यू नीड टू फाइंड आउट द फाइव थिंग्स एटलीस्ट. इसी तरह हमको करना है वो. ओके, तो व्हाई इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ इज इंपॉर्टेंट, बाद में ये काम करना शुरू हो जाएगा. उसके बाद में क्या है, जैसे कि हम एक्शन डालना है इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बिलीफ लेवल बढ़ा दिया, बाद में ये बिजनेस में हमको तीन तीन तरह से बिजनेस होता है. क्या करना पड़ेगा, नंबर वन सीखना है क्रिएटिंग वॉल्यूम, सीखना है क्रिएटिंग वॉल्यूम, दूसरा सीखना है क्रिएटिंग स्पॉन्सरिंग, और तीसरी चीज सीखना है मोमेंटम. ये बिजनेस कैसे होता है, तीन तरीके से होता है. पहले सीखना है हाउ टू क्रिएट अ वॉल्यूम, लर्न टू क्रिएट अ वॉल्यूम, कितना 50, 100, 200 जो भी है, बट सेट सम गोल, लर्न टू डू 100 PV टू स्टार्ट विथ. 5 साल पहले इतने प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन अभी बहुत सारे प्रोडक्ट है. 100 PV आप आराम से कर सकते हो अगर आप कोर डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आप सीरियस है तो. नहीं कर सकते हो तो ढूंढिए, देर आर वेज एंड मीन्स टू डू इट. लर्न टू डू 100 PV, वेरी सिंपल. अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई भी नहीं करेगा आपके ग्रुप में. लर्न टू क्रिएट दैट वॉल्यूम. दूसरी चीज लर्न स्पॉन्सरिंग. स्पॉन्सरिंग कैसे सीख सकते हो, लर्न टू डू 4 basics. 4 basic करना सीखिए स्पॉन्सरिंग के लिए. क्या है 4 basics हमारे पास. पहला बेसिक है, फर्स्ट बेसिक इज मेकिंग अ लिस्ट, दूसरा कॉन्टैक्ट इन्वाइट और फोन कॉल, तीसरा शो द प्लान, चौथा फॉलो थ्रू. मेकिंग अ लिस्ट, ये सब ये वर्ड्स का सबको मीनिंग मालूम है. लिस्ट मैंने क्या, लिस्ट मैंने यू नो लोगों की यू नो याद ही बनाना जो भी है, वो मीनिंग नहीं बता रहा हूं मैं. मेकिंग अ लिस्ट, मेकिंग अ एक्टिव लिस्ट, मेकिंग अ ऑनगोइंग लिस्ट, मेकिंग अ बिगर लिस्ट इज द यू नो इज द यू नीड टू डेवलप एटीट्यूड बिहाइंड बिल्डिंग यू नो डूइंग 4 basics. क्यों करने हैं ये, मुझे क्यों करने हैं, 4 basic तो मुझे मालूम है लेकिन क्यों करने हैं. यू नीड टू डेवलप एटीट्यूड बिहाइंड बिल्डिंग. अगर लिस्ट यू नो स्पॉन्सरिंग नहीं हो रहा है, पहले चेक करो लिस्ट है क्या मेरे पास. अगर होगा तो वो छोटा होगा या उन्हीं लोगों को बताने की कोशिश कर रहे होंगे. दूसरा क्या करना पड़ेगा, यू शुड फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स टू मेक योर लिस्ट लॉन्गर, हाउ टू मेक अ एक्टिव एंड ऑनगोइंग लिस्ट. कैसे यू नो ये सब करना है. और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा यू नो यहाँ पे जब हम ये बिजनेस में आते हैं यू नो नो प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा एक चीज सीखनी होती है अबाउट योर यू नो ड्रेसअप, कपड़े कैसे पहने. कपड़े सब लोग जो पहनते हैं, जो एवरेज आदमी कपड़े पहनता है उससे थोड़े अच्छे कपड़े पहनना, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट. ये बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट है. यू कैनॉट क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन सेकंड टाइम. फर्स्ट इंप्रेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन. मैं अगर यहां आके लुंगी पहन के आता तो आप क्या बोलते. और नहीं नहीं मैं बोलता मेरे पास 10 सूट है लेकिन घर में हो, हेलो, कोई फायदा नहीं हो उसका. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वेरी सिंपल. यू गेट ओनली 1 chance टू क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन. और जरूरी नहीं जब मीटिंग में ही जाते हैं और जब BBA सेमिनार में जाते हैं यू नो एकदम परफेक्टली एकदम जाना. हाँ उस वक्त तो जाना ही है क्योंकि वो तो हमारा सेलिब्रेशन टाइम है, वो तो हमारा यू नो एक्साइट. जब भी एवरेज यू नो जब हम बाहर निकलते हैं, एवरेज आदमी जो ड्रेसअप करता है उससे थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा अच्छा, अच्छे कपड़े होने, स्मार्ट कैजुअल, गुड पॉलिश शूज, पर्सनल ग्रूमिंग, दाढ़ी वगैरह यू नो हमेशा करते हैं, कोई यू नो मूछे रखते हो तो ठीक ठाक से ट्रिमिंग करना है उसको, स्मेल गुड, हेलो, लोग दूर नहीं भागने चाहिए आपसे. मेक श्योर जब हम घर से निकलते हैं तो हमने ग्लिस्टर यूज किया है, हेलो, और अभी तो स्वीट शॉट भी आ रहा है. ओके, ऐसे प्रोडक्ट है यू नो, तो ये सब करना है. पर्सनल ग्रूमिंग, अच्छा दिखना है, ये इसके लिए थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की जरूरत, थोड़ा सा ध्यान देने की यू नो. ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए चेंज करना होता है, चेंज करना है. दो तरह के चेंज करने होते हैं, वन इज इंटरनल चेंज और दूसरा है एक्सटर्नल चेंज. इंटरनल चेंज यानी कि ये यहाँ पे जिस तरह से हम सोचते हैं, लेकिन वो चेंज ऐसे नहीं है जैसे इलेक्ट्रिक का बटन है जाके यू नो अभी तक मैं गलत सोचता था, अभी तक मैं ठीक नहीं सोचता था, अभी बटन दबाया मैं अच्छा सोचने लगा हूं. इट्स नॉट लाइक दैट, बराबर है. इट्स अ प्रोसेस. और वो प्रोसेस में कैसे आएंगे, जब हम अपने आप को सिस्टम में प्लग इन करेंगे, बुक स्टेप्स फंक्शन में. यू स्टार्ट थिंकिंग गुड, बेटर एंड बेटर, नॉट ऑल ऑफ अ सडन, एकदम अचानक नहीं होता है, इट्स अ प्रोसेस. लेकिन एक्सटर्नल चेंज जो है वो तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक्सटर्नल चेंज जो है वो हम इमीडिएट कर सकते हैं, तो उसको पहले करना है, इसको बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक्सटर्नल चेंज को चेंज करना है. यू नो कपड़े हमारे, पर्सनल ग्रूमिंग, जो भी इन चीजों के पास थोड़ा बहुत ध्यान देना है. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों के पास जाते हैं यू नो बातचीत करते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, योर ड्रेस कोड इज नॉट कंप्लीट इफ यू डोंट पुट अ स्माइल ऑन योर फेस. हेलो,
आपने 15,000 रुपए का सूट पहना है, 2,000 रुपए का टाई पहना है, सब कुछ किया है, लेकिन चेहरा ऐसा है कि फायदा नहीं। पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, हंसना है, यू नो, हाथ हमेशा बाहर होना चाहिए, यू नो, सिंपल सी बात है। सो ऐसे करना, यू नो, ड्रेस फॉर सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रेस फॉर सक्सेस, जब भी आप बाहर निकलते हैं, यू नो, सॉक्स फटी है तो अच्छा नहीं लगता है किसी के घर में जाके शूज निकालने को, मामूली चीज है, बराबर है, तो सॉक्स चेंज करना है। छोटी छोटी बातें होती है, ओके, सिंपल। सो मेकिंग अ फोन कॉल, कॉन्टैक्ट करना है, प्लान, जितना जल्दी प्लान दिखाना सीखोगे उतना जल्दी आपका बिजनेस, मैंने कहा था टेक चार्ज ऑफ इट, कैसे कर सकते हो, टेकिंग चार्ज ऑफ इट, शोइंग द प्लान। बाकी सारी चीजें अगर आप गलत भी कर रहे हो तो, या नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन मैंने एक चीज पहले दिन से की है, वो है शोइंग द प्लान, गलत नो प्रॉब्लम, लेकिन हमने शोइंग द प्लान पहले दिन से शुरू किया, शो द प्लान, लोगों को बिजनेस शेयर किया, कैसे दिखाना है, वन ऑन वन दिखा सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, कैसे भी आप, यू नो, अपलाइन को पूछ के यू कैन डेवलप, यू नो, अपना तरीका जिससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। चेक, यू नो, जो भी मैं बता रहा हूँ, ऑलवेज चेक विद योर अपलाइन, ऐसे ऐसे बता रहे थे, फॉलोअप करना है, कुछ उनको सवाल होंगे, कुछ यू नो डाउट्स होंगे, कुछ भी डाउट पूछे वो आदमी, उसका सवाल एक ही होता है, चाहे वो ये भी पूछे, चाहे प्रोडक्ट महंगे है, ये कंपनी चलेगी क्या नहीं, ये नहीं वो नहीं, सारे सवाल पूछने के पीछे उसको एक ही सवाल पूछना है कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, उसका एक ही सवाल होता है और वो आपको जानना है। देर इज अ, यू नो, द रियल रीजन इज बिहाइंड, ऑलवेज बिहाइंड द फर्स्ट रीजन। अगर आपने बीवी को कभी मनाया होगा तो आपको मालूम होगा, द रियल रीजन इज ऑलवेज बिहाइंड द फर्स्ट रीजन, पहला जो रीजन है वो कभी भी नहीं है, बराबर है। यू नो, एक बार शादी की, यू नो, ऐसे दूसरे मालूम नहीं है शादी के बाद कभी हुआ, लेकिन एक दिन एकदम मूड एकदम ऑफ, क्या हो गया पता ही नहीं चला, फिर बताया कि वो कल हम लोग जब घूमने गए थे तुम्हारी एक फ्रेंड मिली थी, वो मेरे सपने में आई थी। अभी देखो मूड ऑफ किस लिए हो गया, मूड ऑफ हो गया किस लिए, तुम्हारी फ्रेंड, हमारे, यू नो, एक कॉलेज की लड़की हमको बाजार में मिली किधर, वो इनके सपने में आई, इसलिए मूड ऑफ हो गया। मतलब ठीक है, सपना होता है, कभी कभी आता जाता है, वो क्या टेम्पररी बातें होती है, वो कहीं परमानेंट थोड़ी होता है। मैंने सपने में आई लेकिन वो आपके बाजू में बैठे, यू नो, बैठी थी, दैट वाज द प्रॉब्लम। वो क्या सच नहीं होता है, सपना है वो, उसको भूल जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अगर मेरे सपने में तुम उसके बाजू में बैठते हो तो अपने सपने में तुम उसके साथ क्या कर सकते हो, नो लिमिट, हाँ, बराबर, थिंकिंग। सो ये सोचना है ऑलवेज, और ये सब करते करते हमेशा आदमी कुछ ना कुछ पूछते रहेगा, उसको ये विश्वास देना है। विश्वास कैसे दे सकते हैं, सिस्टम में लाके, मीटिंग्स में लाके, ओपन मीटिंग में लाके, यहां अगर पहली बार कोई आया है तो उसको, अरे इतने आदमी, ये सब कुछ हो रहा है, इतना अच्छे तरह से हो रहा है, यहां का वातावरण, यहां का एक्साइटमेंट, एक दूसरे के साथ आप कैसे मिलजुल करते हो, यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितना अच्छा लगता है यहां पे आके, लोग हंस रहे हैं, कोई किसी को, यू नो, गलत चीज नहीं बोल रहा है, यहाँ पे कोई गलत चीज नहीं हो रही है, कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा है, कोई दारू नहीं पीता है, लेडीज को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, बहुत अच्छी जगह है, तो यहाँ आके उस आदमी को अच्छा लगता है, उस आदमी का विश्वास बढ़ेगा। ये सब, यू नो, कुछ लोग इन सब चीजों की वजह से आपके बिजनेस में आएंगे, आपको पता नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है कि सामने वाला किस चीज के लिए बिजनेस में आना चाहते हैं, बराबर है। तो सिंपल सी चीज, उसको उसका विश्वास बढ़ाना है और उसको बाद में गेटिंग स्टार्टेड करना है और उसको कुछ चीजें सिखानी होती। देखिए दोस्तों, ये करना होता है, फोर बेसिक हमने किए, हमको भी बहुत तकलीफ हुई, वही वही करना है। अरे क्या बात है यार, रीजन, यू नो, कुछ यहां देखिए, नहीं करने के लिए कुछ ना कुछ कारण मिलेगा आपको, यहां नहीं आने के लिए आपको कुछ ना कुछ कारण जरूर मिल गया होता यहां नहीं आने के लिए, लेकिन आपने वो कारण नहीं ढूंढा, फिर भी आप यहां आए। और एक चीज, यू नो, एक्सक्यूज, उसको बाजू रखिए। ये बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, डायमंड जाना चाहते हैं, एक बार पोल्ट्री फार्म में एक आदमी चला जाता है, फूड इंस्पेक्टर, बराबर है। उसका काम क्या है,
वहां जाके वो जो मुर्गियों को जो अनाज खिलाते उसका क्वालिटी चेक करना। तो वहां आदमी जाने के बाद वो उसका जो पोल्ट्री फार्म का मालिक है उसको पूछता है कि तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो। वो बोलता है यू नो मैं अच्छा अनाज खिलाता हूँ, ये है वो है सब कुछ, गेहूँ खिलाता हूँ, ये खिलाता हूँ वो खिलाता हूँ। बोलता है 100 रुपया फाइन। बोलता है क्यों? बोलता है बाहर लोगों को खाने को नहीं है और तुम मुर्गियों को अनाज खिलाते हो, 100 रुपया फाइन। अच्छा, इस आदमी को समझ भी नहीं आता क्या करने का है। दूसरे महीने में फिर से वापस आता है वो, बोलता है कि मुर्गियों को क्या खिलाते हो। बोलता है आदमी इस बार वो थोड़ा सा एकदम उसको मालूम है अभी क्या जवाब देने का। बोलता है मैं कुछ नहीं खिलाता हूँ, मुर्गियाँ इधर उधर जाती है वही वो कीड़े मुड़े खाती है, वो कुछ मालूम नहीं है वो, मैं कुछ नहीं खिलाता हूँ मुर्गियों को। बोलता है 200 रुपया फाइन। बोलता है क्यों? बोलता है लोग मुर्गियाँ खाती है और तुम उनको कीड़े खिलाते हो। तीसरे महीने में फिर से आता है, अभी तो इसको बोलता है अभी क्या बताए मैं, हेलो इसको बरा तीसरे महीने में बोलता है कि बोलता है तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो। बोलता है मैं कुछ नहीं खिलाता हूँ, फिर मैं हर एक मुर्गी को 2-2 रुपए देता हूँ और फिर उनको बोलता हूँ कि जाओ तुमको जो खाना है वो खा के आओ, हेलो। बोलता है 500 रुपया फाइन। बोलता है क्यों? बाहर इतनी महंगाई है सिर्फ 2 रुपए देते हो। अगर आपको नहीं करने का है तो आप कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेंगे, करने का है तो बहाना बाजू में रखना पड़ेगा। कर सकते हैं? और उसके बाद में हमें कुछ चीजें, कुछ आदतें डालनी पड़ती है, बराबर है? तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा मेरी पत्नी जो मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है और जो इस मुकाम पे हम लोग आए हैं वो इसलिए वो मेरी प्रेरणा है। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम क्राउन लेडी सरोज। थैंक यू। ये बिजनेस में हस्बैंड वाइफ बिजनेस है, इसमें लेडीज को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है, ज्यादा अच्छा स्थान मिला है, क्योंकि कोई भी बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसे नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ मिलके काम करें। हमेशा बिजनेस बोला तो हस्बैंड जेंट्स अकेले ही बिजनेस करते हैं, लेडीज नहीं। लेकिन ये बिजनेस अलग बिजनेस है, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में काम करना पड़ता है। जब भी हम कभी बाहर जाते हैं लोगों के साथ बिजनेस बिल्ड करने के लिए और हम बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ ये बिजनेस में काम करेंगे तो वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये ऐसा कैसा बिजनेस दोनों हस्बैंड वाइफ साथ करते हैं। तो इसीलिए पहले हमने अपने आप को कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे ये बिजनेस में काम क्या करना है, वो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस में मैं क्या काम करूँगी, मेरा रोल क्या है। तो ये बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है, वो 100% यूज़ करने हैं और जब हम खुद वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे तभी हम शेयर करेंगे। हमारे जो भी ग्रुप में लेडीज आती है उनको भी हमें ये बताना पड़ेगा कि हमें ये 100% प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना है। जब तक हमारे माइंड में वो प्राइस रहेगा कि ये प्रोडक्ट महंगे है, अगर मुझे ही महंगे लग रहे हैं तो मैं कब बताने जाऊँगी कि ये प्रोडक्ट किस तरह से सस्ते पड़ते हैं यूज़ करने के लिए। तो इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर हम अच्छी तरह से हमारे ग्रुप में ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, उनको प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना है और प्रोडक्ट जो शेयर करना मीन्स रिटेलिंग करना है, वो भी लेडीज़ बहुत अच्छी तरह से शेयर करती है। हम जब कहीं भी जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, बाजार जाते हैं, किसी की शादी में कुछ, किसी के प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद हमारे माइंड में सिर्फ हमारे प्रोडक्ट के बारे में ही, मतलब हमारे माइंड में हमेशा वही बात आनी चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट, इसको मैं कौन सा प्रोडक्ट दे दूँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है वो सभी प्रोडक्ट एक ही बार है, जो भी सामने लेडीज़ है या जो भी है उसके सामने सभी प्रोडक्ट एक ही साथ में बताऊंगी हमारे पास ये है वो है, ऐसा नहीं है। तो पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि सामने वाले को कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वही प्रोडक्ट हम उनको शेयर करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट नहीं। हमें वो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि सामने वाले को कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अगर कोई लेडीज़ है जो खुद को ज़्यादा सुंदर
दिखाना पसंद करती है, बहुत मेकअप करती है, तो उसको येलोसी के बारे में बात करके कुछ फायदा नहीं है। उसके सामने सिर्फ हम आरटीसी प्रोडक्ट की बात करेंगे। कुछ लेडीज ऐसी होती है कि वो ज्यादा खुद कैसी भी रहती है लेकिन घर बहुत अच्छा रखती है, तो उसको आरटीसी के बारे में बात करके कुछ फायदा नहीं है। उसको जो भी घर में डिस्टर्ब येलोसी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमें पहला देखना पड़ेगा कि सामने वाले के साथ अगर मैं कुछ बात कर रही हूँ तो उसको कौन सा प्रोडक्ट मेरा फिट बैठेगा, वही प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूंगी। बाकी हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट हैं लेकिन वो सब एक साथ ही मैं उसको नहीं बताऊंगी, वही प्रोडक्ट बताऊंगी जिसको उसकी गरज है, जिसको उसकी जरूरत है, वही प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बात करेंगे, उसकी जानकारी उसे देंगे, तभी हमारे प्रोडक्ट हम रिटेल कर सकते हैं। और लेडीज अच्छी तरह से कर सकती है क्योंकि लेडीज बहुत अच्छी तरह से बातचीत करती है। दूसरी बात यह, जैसे इन्होंने बताया कि हमें कैसेट सुनने हैं, क्योंकि कैसेट हम सुनेंगे तभी हम ग्रुप में प्रमोट कर सकते हैं कि कौन सी कैसेट अच्छी है। कैसेट सुनने के बाद जो भी हमारा माइंड में निगेटिव आता है या जो भी नर्वसनेस आता है वो हमारे माइंड में से निकालता है, इसलिए हमें कैसेट्स, बुक्स और ये जो एसोसिएशन है ओपन मीटिंग में या सेमिनार्स में मिलता है, वहाँ जाने के बाद हमारा बिलीफ लेवल बढ़ जाता है। और जितने सारे लोगों ने हमें ना बोला है, किसी ने कुछ नेगेटिव माइंड में डाला है, वो चला जाता है। इसीलिए जिस तरह से हम अपने आप को इसमें क्लब करते हैं और अपने आप को नेगेटिव से बचाते हैं, उसी तरह से हमारे ग्रुप में जो भी लेडीज हैं उनको भी हमें बचाना है। और इसीलिए वो अगर घर में बैठी रहेगी तो हमेशा निगेटिव, क्योंकि ये वर्ल्ड सब निगेटिव वर्ल्ड है, तो इसलिए वो उस निगेटिव लोगों से उनको बचाना है, उसको बाहर निकालना है। तो इस तरह से सेमिनार्स में उनको लाना पड़ेगा, कैसेट सुनने की आदत, बुक्स पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बिजनेस में लेडीज़ का रोल है कि फ्रेंडशिप, हमारे ग्रुप में जो भी लेडीज़ है लेडीज़ के साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बढ़ानी है, इतनी फ्रेंडशिप बढ़ानी है कि एक दूसरे से हम जुदा नहीं हो सकते, इतनी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, इतनी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लेडीज बहुत अच्छी तरह से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती है, जेंट्स नहीं, क्योंकि दो जेंट्स एक साथ आ जाते हैं उनकी जो भी बातें होती है वो अलग होती है, और वो जो भी बातें होती है वो पान की टपरी या चौक तक होती है, लेकिन दो लेडीज की जो भी बात होती है वो घर तक आ जाती है, किचन तक आ जाती है। इसीलिए लेडीज अच्छी तरह से एक दूसरे को अपने जो भी मन में वो बहुत फ्रेंडली बताती है, लेकिन जेंट्स इस तरह से बातें नहीं करते, इसलिए रिलेशनशिप लेडीज अच्छी तरह से करती है। जब भी कभी हम प्लान दिखाने जाते हैं या फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, किट ओपनिंग के लिए जाते हैं, तो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ रहो, क्योंकि लेडीज अगर अपने साथ हैं तो थोड़ी मतलब जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर थोड़ी इज्जत मिल जाती है क्योंकि लेडीज साथ हैं। अगर जेंट्स अकेले जाएंगे तो सेल्स पर्सन मान के उनकी कोई बात नहीं सुनते, लेकिन लेडीज अगर साथ है तो उनकी बात सुनते हैं, थोड़ा हस्बैंड वाइफ आए तो जो कुछ बताने आए वो सुन ले क्योंकि वो क्या बता रहे हैं, तो इसीलिए हमेशा उनके साथ जाने चाहिए। किट ओपनिंग में जाएंगे तो आप प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे, जेंट्स से अच्छा लेडीज प्रोडक्ट के बारे में अच्छे बात कर सकती है, डेमो लेडीज अच्छी तरह से दिखा सकती है, तो ये सब काम हमें करने पड़ेंगे। और जब भी कभी हम हमारे लेडीज काफ़ी सारे होते हैं कि जो ज़्यादा बाहर आना पसंद नहीं करती है, बच्चों के कारण होते हैं, कुछ ना कुछ बहाने बताते हैं कि बाहर ना आने का, तो उनके ड्रीम्स निकालने हैं कि क्यों मुझे बाहर जाना है, क्यों मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, ये महंगे कैसे नहीं है, इसके लिए उसके ड्रीम्स आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ड्रीम्स निकालेंगे तभी वो बाहर आएगी। वो बोलेगी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं आ सकती, बहुत देर तक रुकना पड़ता है, तो वो उनको बताना पड़ेगा कि ये जो हम कर रहे हैं या हम सेमिनार के लिए जाएंगे तो हमारे पैसे खर्च होते हैं, तो वो क्यों खर्च होते हैं जब आप बाहर जाएगी, क्योंकि जब अगर आप बाहर नहीं जाएगी तो किचन में ही पड़ी रहोगी और कुछ हमारे पास रास्ता भी नहीं है हमने अपने आप को बाहर निकालने के लिए, नहीं तो वही काम करती रहो किचन में। तो इससे अच्छा ये बिजनेस के जरिए हमें एक अच्छा मौका मिला है कि हम अपने आप को बाहर निकालेंगे, हम अपने आप को एजुकेट करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस में ना ही आपको आपका एजुकेशन पूछा जाएगा, आपको क्या आता है या आप ज़्यादा पढ़ी लिखी है, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, इसके बारे में कुछ पूछा नहीं जाता, सिर्फ इतना ही आपको
पूछा जाता है कि अगर आपको कुछ करना है, अपने बच्चों के बारे में कुछ अपने भविष्य में सोचा है, तभी आप अगर बाहर आ जाएंगे अपने हस्बैंड के साथ, तो ये सब आपके साथ होगा और ये जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है आपको सब कुछ सिखाएगा। तो ऐसे ड्रीम्स अगर आप उनके निकालेंगे तभी वो आपके साथ आ जाएगी। इसी तरह से हमने अपने आप को और अपने ग्रुप में जो भी लेडीज है उनको ये सिस्टम में प्लग करना है, और हमने तो वही किया है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिजनेस में अपलाइन पर फेथ रखना है, जो भी अपलाइन बोलेंगे वही करना है, क्योंकि अपलाइन कभी गलत नहीं बोल सकते, जो भी बोलेंगे वो सच्ची बोलेंगे, क्योंकि ये बिजनेस का कंसेप्ट ऐसा बना है कि पीपल हेल्पिंग पीपल बिजनेस, एक दूसरे को हेल्प करनी है तभी हमारा ये मतलब सक्सेस हो जाएगा। हम वही सोचते हैं कि सामने वाले सक्सेस हो जाएंगे तभी हम सक्सेस होंगे, और अगर अपलाइन ने कुछ गलत बोला तो वो अपने आप का बिजनेस हर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो कभी गलत नहीं बोलेंगे, वो जो बोलेंगे वही सही बोलेंगे, और वैसा अगर आप करेंगे तभी ये बिजनेस में आप कामयाब हो जाएंगे, और दूसरा कोई राज नहीं है। तो बस इतना ही मैं आपको बोलूंगी कि एक हाथ आप अपलाइन के हाथ में दे दो, दूसरा हाथ डाउनलाइन के हाथ में दे दो। अपलाइन जैसे ही आपकी स्टेज पर आएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे आपको भी खींचते हुए लेकर आएंगी। तो फिर से मैं कॉल करती हूँ मैं हस्बैंड, थैंक यू। ओके, तीसरी चीज हमने लिखी है यहाँ पे मोमेंटम। हमें इस चीज को समझना है कि ये मोमेंटम बेस्ड बिजनेस है, दिस इज नॉट अ अर्थमेटिक बेस्ड बिजनेस। मुझे एक आदि की एक दो नहीं दो, हेलो, हमें तो ऐसा ही पता जाता है कि 1+1=2, लेकिन ये बिजनेस में अलग है, 1+1=11। कैसे? तो वो मोमेंटम हमको लाना पड़ेगा, और मोमेंटम लाने के लिए हमें यू हैव टू बी वेरी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। जिद्द आणि चिकाटी मराठी मध्ये सांगायचं, क्योंकि मोमेंटम जब तक नहीं आता, आपके ग्रुप में कुछ नहीं हो रहा है, तब तक यू नो बिजनेस कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो मोमेंटम से आप एक चीज आपके बिजनेस में ला सकते हैं, और उसे कहा जाता है प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है, अगर आपके बिजनेस में स्ट्रक्चर नहीं है तो पैसे नहीं आ रहे। अभी हमने बिजनेस शुरू किया, कंपनी के बारे में जान लिया, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, आदतें बदल ली, फंक्शन में जाना, मीटिंग में जाना, सब कुछ शुरू किया, अपलाइन से सीख रहे हैं हम लोग, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम करना सीख रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, लेकिन अभी हमको हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और वो स्ट्रक्चर करने के लिए मोमेंटम की बहुत जरूरी होती है। और वो मोमेंटम कैसे आता है? लोगों को जब आप बिजनेस में लाएंगे, चेक विद योर अपलाइन। लेकिन टू यू नो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, अगर आप 10-12 लोगों को जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी अगर आप बिजनेस में लाएंगे तो आपके बिजनेस में जरूर मोमेंटम होगा। एक एक दो दो को अगर ला रहे हो, 12 लोगों को अगर एक साल में ला रहे हो तो शायद मोमेंटम आने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन 12 लोगों को आपने अगर 2 महीने के अंदर बिजनेस में लाया तो अच्छा मोमेंटम होगा बिजनेस में। सो दिस इज अ मोमेंटम बेस्ड बिजनेस। इस चीज को समझना है हमको, मोमेंटम को लाना है। कैसे लाएंगे? बाय स्पॉन्सरिंग मोर एंड मोर पीपल। लर्न टू स्पॉन्सर पीपल, लर्न टू शो द प्लान। उसके लिए टारगेट्स बनाइए कि हाँ मैं इतने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, इतने लोगों को कॉन्टैक्ट करूंगा, इतने लोग मेरे यू नो लिस्ट पे नाम मैं ऐड करूंगा। द सक्सेस इज टू रिमेन इन द बेसिक्स, इज नॉट टू डू वेरी हाई फाई थिंग्स। सक्सेस इज टू रिमेन इन द बेसिक्स। ये जो 4 बेसिक है हमको वही बेसिक हमेशा करने पड़ेंगे, वही बेसिक हमको हमेशा करने पड़ेंगे, उसी में रहना पड़ेगा। मोमेंटम नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्लान कम हो रहे हैं, प्लान कम हो रहे हैं क्योंकि इन्विटेशन नहीं हो रहा है, इन्विटेशन नहीं हो रहा है क्योंकि लिस्ट ही नहीं है, लिस्ट नहीं है क्योंकि हम लोग जाके किसी को मिलते ही नहीं है। बिजनेस बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, लोगों के साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? फाइंड आउट। ये 4 बेसिक में कोई ना कोई चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप आ रहे हैं फंक्शन में, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस चीज को करना पड़ेगा, और जो भी करना है हमको सही तरीके से राइट फाउंडेशन, एक बार ही इस बिजनेस को बिल्ड करना है, एक बार ही,
बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस। एक बार ही इस बिजनेस को सही तरीके से अगर बिल्ड करोगे तो आने वाले जनरेशंस में कोई फिक्र नहीं रहेगी। बिजनेस शुरू करना इसका मतलब कामयाबी नहीं है, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। दूसरी चीज एक मैं आपको खास तौर के बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन आमतौर पर अगर हम दुनिया में जाएंगे तो एक डिग्री तो सभी लोगों के पास, मेजॉरिटी लोगों के पास होती है, मेजॉरिटी लोगों के पास, और उस डिग्री को कहा जाता है NTE, निगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट। निगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट होते हैं लोग दुनिया में, जो भी आप बताएंगे उसका बराबर उल्टा या गलत आपको बताएंगे, उसमें हमेशा डाउट करेंगे, हमेशा संशय करेंगे आपके ऊपर। कोई भी चीज आप अच्छी बताने को जाइए, बीवेयर ऑफ निगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट्स। इन ऐसे लोगों से दूर रहना है। कैसे दूर रहना है? उनसे आपको पता चलेगा, हो सकता है ऐसे लोग घर में ही मौजूद हो, अभी घर छोड़ के तो नहीं जा सकते, लेकिन उनको दावत मत दो एमवे के ऊपर डिस्कशन के लिए, जरूरी नहीं है। लेट देम डू देयर वर्क, यू डू योर वर्क, कोई करने की जरूरत नहीं है। कितना भी अच्छा चीज बोलो, एक लड़के का बोर्ड का एग्जाम था, तो किसी ने एक आदमी ने जाके बोला, अरे वो हमारा बाजू वाला जो लड़का है ना अनिल, उसका SSC बोर्ड का एग्जाम है, फेल होने वाला है। क्या है, कैसा है, कभी है नहीं, फेल होने वाला है। अभी बोर्ड का कुछ दिनों के बाद बोर्ड का एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी आया, और उसने जाके बताया, अरे वो तो अच्छे मार्क मिले उसको, पास हो गया, कॉपी की होगी। अरे कॉपी नहीं की, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से मार गया, टीचर से कुछ गलती होगी। नहीं नहीं, वो टीचर को भी मैं जानता हूं, वो टीचर भी अच्छा है, नहीं वो स्कूल का स्टैंडर्ड ही नीचे चला गया। दे विल फाइंड आउट सम निगेटिव थिंग, बीवेयर ऑफ निगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट। ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। जरूरी नहीं उनके उनके साथ दोस्ती करनी है हमको, और उनको खराब भी बोलना है, या उनको इनवाइट करना है डिस्कशन के लिए, मेरा अच्छा के तुम्हारा अच्छा, कोई जरूरत नहीं। आप अपना काम कीजिए, उसमें एनर्जी मत लगाइए आपकी, सेव योर एनर्जी सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट टू समवेयर। और ये बिजनेस में और एक खासियत क्या है कि जैसा आप जिस तरह से आप करोगे, जैसा करोगे वैसा ही मिलता है फल, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इस बिजनेस में क्या करना है, इस बिजनेस में लोगों की मदद करनी है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। आप अगर किसी को बिजनेस में लाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है उस आदमी को हेल्प करना है, उसको अगर आगे बढ़ने के लिए मदद करनी है, हमारी जिम्मेदारी है। लोगों को बिजनेस में लाए, यहां आता जाओ तुम करो, और 50,000 का चेक आने के बाद मुझे बुलाओ, दैट इज नॉट द स्टाइल ऑफ डूइंग। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते, तो क्यों बिजनेस में लाना है किसी को? निगेटिविटी हम लोग फैलाते हैं, हेल्प देम, हाँ, हेल्प करने के पहले आपको यह जरूर देखना है कि वो उसके काबिल है कि नहीं, जाके उसके घर में हमको उसके कपड़ों को इस्त्री नहीं करनी है। हेलो, हेल्प करने का मतलब क्या है? उसको उसके बच्चों को नहीं संभालना है, उसको सब्जी नहीं लाके देनी है। अगर मैं ये बिजनेस सीरियसली कर रहा हूँ, मैं अपना फैमिली टाइम किसी के लिए दे रहा हूँ निकाल के, बच्चों को मैंने हॉस्टल में रखा है, मेरे पैसे मेरा टाइम मैं लगा रहा हूँ, मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो मैं पहले जरूर देखूंगा कि ये आदमी सीरियस है कि नहीं, जेन्युइनली करना चाहता है कि नहीं, ऐसे देखूंगा मैं, पहले कुछ टेस्ट करूंगा मैं उसको। हाँ, तुम सब मेरे लिए करो, और बाद में, ये ऐसा नहीं है। सो प्लीज, हमें क्या करना है, जैसे आप करते हो वैसे ऑनेस्टली बिजनेस बिल्ड करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग रिटर्न। हाँ, मैं आता हूं मीटिंग करता हूं, लेकिन 4 लोग स्पॉन्सर होने चाहिए, 1,000 PV का काम होगा तो मैं आऊंगा। अरे सॉरी, दैट इज ओके। एक बहुत ही कंजूस आदमी था, उसके घर में चूहे बहुत हो गए, तो उसने क्या किया, पिंजरा लगा चूहे पकड़ने के लिए, लेकिन वो उस पिंजरे में कुछ खाने के लिए नहीं रखना चाहता था, इतना कंजूस था, तो चूहे आएंगे कैसे, बराबर है। तो उसने क्या किया, एक दिन पेपर में, न्यूज़पेपर में पनीर का फोटो आया, तो पिंजरे में पनीर का फोटो रख दिया, दूसरे दिन अंदर चूहे का फोटो मिला। सिंपल सी बात है ना, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, जो करोगे वही मिलेगा, यही मिलेगा। हेलो, यही, इधर ही, वेरी सिंपल। सो हमें क्या करना है, ऑनेस्टी से बिजनेस बिल्ड करना है। 3 नेवर्स ये बिजनेस में बताए जाते हैं हमेशा, 3 कार्डिनल रूल्स, उसका पालन करना है, उसका पालन करना है, उसको ब्लड में, जब हम ये 3 नेवर्स, हम हमारा जब बिजनेस बड़ा करना है, जब 3 नेवर्स हम प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। ये 3 नेवर्स क्या है, ये 3 नेवर्स है। फर्स्ट नेवर यानी कि चीजें जो नहीं करनी,
अभी तक हम बता रहे थे कि ये चीजें करनी है, आपको ये नॉलेज लेना है, कंपनी के पास जाना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना है, कॉन्सेप्ट सुननी है, किताब पढ़नी है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है, ये करना है। अभी जो बता रहा हूं वो नहीं करना है। जिसे कहा जाता है 3 कार्डिनल रूल्स, बराबर है। फर्स्ट कार्डिनल रूल, नेवर डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग अपलाइन। कोई भी नई चीज अगर करनी हो तो अपलाइन को पूछे बगैर मत करना। कितना सिंपल है रूल ना। और पहला ही क्यों बताया जाता है, क्योंकि यही गलती लोग ज्यादा करते हैं, हमेशा यही गलती ज्यादा लोग करते हैं। एनीथिंग यू आर डूइंग, कोई भी नई चीज करनी है, चेक अपलाइन। एनीथिंग चेक अपलाइन। एप्सा 80 5 लीटर में चाहिए। गिराइक बोल रहा है 5 लीटर का तुम्हारा कब आएगा, 20 लीटर का बैरल चाहिए। तो मैंने ही बैरल लेके आया गोरियाड़ी पे जाके और उसमें 20 लीटर बना के दिया उसको। करू के ना करू, चेक अपलाइन। एप्साइटी कुछ भी, हमने भी बहुत गलतियां की है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि हमको कितना ये सब। संजय शेलर आप ये बता रहे हो, ये लिस्ट बनाओ, ये फोन कॉल करो, लोगों को बुलाओ, फार्म में ये करो, ये सब क्या जरूरी है। केबल टीवी इतना फेमस हो गया है, मैं एक एडवर्टीजमेंट देता हूं वहां पे, कितना अच्छा आइडिया है, चेक अपलाइन। सिंपल हो गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका आइडिया बहुत ब्रिलियंट है, आपका आइडिया रियली जेन्युइन है, तो शायद सभी के लिए वो यूजफुल हो जाएगा। आपकी अपलाइन बोले कि हाँ सबके लिए करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपका जो आइडिया अपलाइन ने ऑलरेडी करके देखा है तो वो क्या बोलेंगे, भैया ये मैंने किया है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, समय बर्बाद हो जाएगा, आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी, मत करो। कहीं पर भी आपको कोई भी ऐसा एडवाइस देने के लिए नहीं है किसी भी बिजनेस में। सिर्फ ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम की बदौलत, आपके अपलाइन के थ्रू, आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के थ्रू आपको ये सपोर्ट और ये गाइडेंस मिलता है। नेवर पास एनीथिंग निगेटिव क्रॉस लाइन और डाउन लाइन। निगेटिव, कोई भी निगेटिव सिचुएशन, आप यहां पे आ गए, आपको शायद कुछ चीजें पसंद नहीं है, या हो गया कि आपने जो प्रोडक्ट लिए या कुछ हो गया, बराबर नहीं मिला या उसका खत्म हो गया या जो भी है, एनी नेगेटिव सिचुएशन, क्या करना है, ग्रुप की मीटिंग बुला के बोलना नहीं है सबको, अरे क्या बोलो यार, ऐसा इतना हम लोग इतना भरोसा करते हैं एमवे का, क्या बताने का, सेमिनार करने की जरूरत नहीं उधर। और क्रॉस लाइन तो अपना हक भी नहीं पहुंचता है वहां जाके अपना, हम क्रॉस लाइन अगर जाके बता रहे हैं ये सब कुछ, तो हम अपने अपलाइन का बिजनेस कम कर रहे हैं, बराबर है, हम उनको धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है, एनीथिंग निगेटिव सिचुएशन ऑलवेज गो टू अपलाइन। एनी निगेटिव सिचुएशन, आपको एमाग्राम नहीं मिला, आपका चेक टाइम पे नहीं आया, या कुछ गलती हो गई, थोड़ा बहुत होते रहता है, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिग बिजनेस, ओके, हो सकता है किसी ने कुछ कहा, इस मीटिंग में आए, अरे वो मैं मीटिंग में गया था, मैंने जो प्रॉस्पेक्ट बुलाया वो उधर ज्वाइन हो गया, उधर का इधर ज्वाइन हो गया, ये क्या ऐसा चलता है क्या, होता है, हमारे साथ भी हुआ। डोंट फाइट, अपलाइन है उनको बोल के छोड़ो। एक आदमी वहां से यहां ज्वाइन करने से कुछ नहीं बिगड़ जाता। और अगर वो गलती से बिजनेस बिल्ड कर रहा है तो उसको तो भुगतना पड़ेगा, उसको भी चूहे का फोटो मिलेगा। चिंता क्यों करते हो, जो आप अच्छी चीज कर रहे हो उसके 10 गुना आपको मिलेगी, लेकिन बैड न्यूज क्या है, जो गलत कर रहे हो उसके भी 10 गुना मिलती है। तो कभी भी किसी का प्रॉस यहां आके, अरे तू तो मेरा नेबर है, तू तो मेरा दोस्त है, तू तो माजा आते वो तिकड़े कूड़े चल रहा इकड़े, फॉरगेट इट। एक आदमी को लेके उसको डीडी लेके जाने तक आपको जान लगानी पड़ती है उसके साथ, आपको अपना फैमिली टाइम देना पड़ता है, आपको समय लगाना पड़ता है, उस तब जाके वो आपके ग्रुप में वो डीडी बनता है। इट्स नॉट अ इजी थिंग, सिंपल चीज नहीं है। डोंट फाइट, ये बिजनेस सालों साल का बिजनेस है, जनरेशन का बिजनेस है, छोटी छोटी चीजें, फॉरगेट अबाउट इट। हमेशा क्रॉस लाइन कोई मिलता है यहाँ पे, उसको एनकरेज करो एक्साइटमेंट के साथ। क्रॉसलाइन ग्रुप कोई आता है बात नहीं करना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको देखता हूं, जरूरी नहीं। अगर कोई निगेटिव सिचुएशन है तो लेके जाइए अपलाइन के पास, उनको बताइए और अपना काम करिए, बस सिंपल सी सिचुएशन है। फोकस, फोकस किस पे है, काम पे फोकस रखना, बराबर, काम पे फोकस रखना। तीसरी चीज, नेवर मेस अप विद समबडीज ईगो मनी एंड स्पाउस। किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना, किसी के पैसा, पैसे के लिए तो बिजनेस बना रहे, पैसा उसी के लिए सब कुछ हो रहा है, वही चीज बिजनेस तोड़ भी सकती है। लेन देन का व्यवहार हमेशा कैश एंड कैरी रखो। एमवे में कभी कुछ हमको मुफ्त में नहीं मिलता है, इट इज अ कैश एंड कैरी। ब्रिट से कुछ मुफ्त नहीं मिलता है,
ऑलवेज मेंटेन दिस एज अ कैश एंड कैरी बिजनेस. फंक्शन के टिकट के पैसे, पैसे है तो टिकट ले लो अपलाइन से, नहीं तो मत ले लो. टूल्स कैसेट लेने हैं, पैसे है तो ले लो, नहीं तो मत ले लो. अपलाइन को बैंक मत समझना. अपलाइन दोन किट पाठून द्या, पैसे पण पाठून द्या. इट्स नॉट अ कुरियर सर्विस. हॅलो, अपलाइन का बिजनेस है लेकिन इट्स नॉट अ कुरियर सर्विस. प्लीज यू नो टेक इट, सो थोड़ा समझना. इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस. यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस से लोग आए हैं, हम लोग भी जाते थे. अगर साथ में जाते हैं, कोई व्हीकल हमने हायर किया है, एक जगह खाना खाया है, जो भी एक्सपेंसेस आए, 10 लोग है, 5 लोग है, कॉमन डिवाइड किया, फटा, कोई प्रॉब्लम नहीं. इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस. अगर आप अच्छा लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना चाहते हैं, हेल्दी बिजनेस बनाना चाहते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, पैसे के मामले में क्लियर कट रखिए. किसी के किट के पैसे मत भरना. बहुत गलतियां की हमने, लेकिन ऐसे करके बिजनेस बिल्ड नहीं होता. किट बांटने से बिजनेस बिल्ड नहीं होता है. लोगों के प्रॉस्पेक्ट चुराने से लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड नहीं होता है. वेरी सिंपल, हैव अ यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट बिजनेस. ईगो, किसी के ईगो को हर्ट मत कीजिए. कूड़ा सा स्वाभिमान, किसी को हर्ट मत, किसी को कंडम मत बोलना, किसी को खराब मत बोलना, किसी को नीचे मत खींचना. ये सब चीजें हम लोग करते थे कॉलेज में होते थे, या किसी को कॉर्नर किया, किसी को टीज किया, किसी को पुल, किसी का बकरा बनाया, सब कुछ करते थे. लेकिन ये बिजनेस में नहीं है. इट इज वेरी इजी टू कंडम अ पर्सन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ पर्सन. बहुत मुश्किल है किसी के अंदर की अच्छाइयां निकाल के उसको बिल्ड करना. किसी को खराब कहना बहुत आसान है. तुम बेकार हो, तुम नालायक है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. बराबर है? क्या करना पड़ेगा? अच्छा बोलो किसी के बारे में, अप्रिशिएट करो लोगों के बारे में. पहले घर से शुरुआत करो. शादीशुदा हो तो बीवी के बारे में 5 चीजें अच्छी बोल के दिखाओ. बहुत मुश्किल होती है, करके देखना. अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल है लोगों को, और वो जेन्युइन अप्रिशिएशन होना चाहिए. जेन्युइन, होठों से नहीं, यहां से. वो फर्क मालूम पड़ता है. किसी को अच्छा कहना, उससे ये बिजनेस. पीपल स्किल, दिस इज द बिजनेस. 4 बेसिक वो तो सीख जाओगे, LOC का डेमो सीख जाओगे, कोई बिग डील नहीं है. पैसे है तो ये सब फंक्शन में आओगे, कैसेट भी ले लोगे. लेकिन द बेसिक ये बिजनेस में है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, लोगों की अच्छाइयां देखना. नेवर क्रिटिसाइज, कंडम और कंप्लेन किसी के बारे में. ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट, लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना. अच्छा बोलो लोगों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में अच्छा बोलो. अप्रिशिएट करो, उनकी ताकत पहचानो. कोई चीज अच्छी की है तो उसके बारे में अच्छा बोलो. वेरी सिंपल. ओके, स्पाउस, हस्बैंड के लिए ये फैमिली बिजनेस है. हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है. हम यू नो यही एक जगह है, यही एक फंक्शन है, यही एक गैदरिंग है जहां पे ये सब कुछ स्टेज के ऊपर से बताया जाता है कि लेडीज को अपनी माँ बहन की नजर से देखना, लेडीज को माँ बहन की नजर से देखना, बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करना, बड़ों को रिस्पेक्ट करना. इसी बिजनेस में मैंने ये बिजनेस में आने के पहले बहुत बिजनेसेस ट्राई किए, बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स में फंक्शन में मीटिंग में गया हूं, लेकिन कहीं पर भी ये हमेशा हर जगह दारू होती है. दारू के बिना कोई मीटिंग पूरी नहीं होती है, कोई बिजनेस नहीं होता है. लेकिन यही एक बिजनेस है जहां पे अल्कोहल की जरूरत नहीं है. बिल ब्रिट बोलते हैं, अगर आपके दिमाग में डायमंड जाने का नशा है तो ये टेम्पररी नशे की आपको जरूरत नहीं है. सिंपल सी बात. इस चीज को समझो. नो डर्टी जोक्स. हम गंदी लैंग्वेज कभी बात नहीं करते हैं, किसी को खराब भला बुरा यू नो कभी खराब नहीं कहते हैं. वेरी सिंपल माय फ्रेंड्स, पीपल विल जॉइन दिस बिजनेस फॉर मनी, बट दे विल स्टे इन द बिजनेस बाय लुकिंग द वैल्यूज इन दिस बिजनेस. ये बिजनेस में जो वैल्यूज है, जो कल्चर, जो यू नो ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूं, ये तो पूरा इंडियन, हमारी हिंदू संस्कृति में, ये सब हमारे इंडियन कल्चर में आता है. लेकिन ये किसने बनाया? वो अमेरिकन आदमी ने. उसने वो ब्रिट वर्ल्ड सिस्टम बनाया. इसीलिए मैं बोलता हूं दिस इज द परफेक्ट बिजनेस फॉर इंडिया. दिस इज द परफेक्ट बिजनेस फॉर इंडिया, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज जो बताए जाते हैं. वेरी सिंपल, आई कैन टेल यू. ओके, सो यहां पे तकलीफें तो होने वाली है दोस्तों, और तकलीफें तो बहुत होने वाली है. अगर आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है, तो मुश्किलें तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो होंगे. लेकिन आप अगर ये समझ जाएंगे कि ये ऐसा ही होता है, तो आपके 50% प्रॉब्लम चले जाएंगे.
समझना जरूरी है ये मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ, आप नहीं है ये, इस चीज को समझिए, आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या करने निकले हो, उस चीज को अगर आप समझो तो ये बिजनेस में तकलीफ है नहीं, दुख है ही नहीं है। एक 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 प्रेग्नेंट वूमन, एक महिला, गर्भवती महिला डॉक्टर के पास चली जाती है, डॉक्टर के सामने बैठती है कि बोलती है कि डॉक्टर बहुत तकलीफ होती है मुझे। डॉक्टर अपना लेटर पैड निकालता है, लिखना शुरू करता है, कोई डॉक्टर साहब है यहाँ पे बैठे? वो औरत बताना शुरू करती है कि पेट में बहुत दुखता है, वो लिखता है पेट में बहुत दुखता है, कभी कभी उल्टी होती है, उल्टी होती है, कभी यू नो बच्चा लात मारता है, ये सब कुछ बहुत 10-15 कारण उस औरत ने बताया डॉक्टर को कि डॉक्टर बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफें हो रही है मुझे। डॉक्टर सब कुछ सुनने के बाद पेन बंद कर देता है, लास्ट रिमार्क लिखा है डॉक्टर ने, एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आप बच्चे को जन्म देने के लिए जा रही हो तो ये तो सिम्टम्स नॉर्मल है, अगर आप डायमंड बनने के लिए जा रहे हो तो ये तो होने ही वाला है। लोग आपको ना कहेंगे, आपके ग्रुप में किट वापस चले जाएंगे, आपके ग्रुप में से कोई आदमी यहां से निकल के वहां से उड़ जाएगा, एब्सोल्युटली नॉर्मल। हो सकता है बच्चों को हॉस्टल में डालना पड़े, हो सकता है सुबह कभी खाना खाया मालूम नहीं है, रात को ठीक से नींद नहीं हुई, ड्राइविंग कर रहे हो, जहां मीटिंग करने के लिए गए जिसने बुलाया उसका ही पता नहीं, एब्सोल्युटली नॉर्मल। इस चीज को समझ दो दोस्त, इस चीज को अगर समझते हो तो कोई तकलीफ नहीं है ये बिजनेस में, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ये बहुत बहुत अच्छा काम हम लोग करने जा रहे हैं। और ये टेम्पररी पेन है, टेम्पररी पेन और लॉन्ग टर्म गेन, इसमें डिफरेंस समझो। कुछ लोग टेम्पररी गेन के लिए कुछ गलत बातें करते हैं और फिर वो लॉन्ग टर्म पेन बन जाता है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम टेम्पररी पेन उठाने के लिए तैयार है लेकिन हमको लॉन्ग टर्म गेन चाहिए, हमको दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी जगह सैर करनी है, हमको पीटर आइलैंड जाना है, हमको हवाई जाना है, हमको एडा मिशिगन जाना है, हमको यूएसए एफडी जाना है, हमको बैंकॉक पटाया थाईलैंड जाना है, टेम्पररी पेन लेना पड़ेगा। ये सब चीज सही है तो टेम्पररी पेन लेना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, एंजॉय डूइंग दिस बिजनेस, हैव अ फन। ऑलरेडी एक बोरिंग जॉब है आपके पास, एक बोरिंग बिजनेस है, एक बोरिंग प्रोफेशन है आपके पास, तो दूसरे में क्यों घुस रहे? हेलो, ये बिजनेस अगर कर रहे हो तो हैव अ फन, एंजॉय डूइंग इट। जो काम कर रहे हो वो प्यार से करो, जो काम कर रहे हो वो प्यार से करो, यू नो लव योर वर्क। लोगों से मिलना, प्लान दिखाना, यू नो यहां से वहां जाना, उसको यू नो तकलीफ मत समझो, एंजॉय डूइंग इट एंड हैव अ फन। समटाइम्स ह्यूमर का होना बहुत जरूरी होता है, कभी कभी हम बहुत कभी कभी बहुत मजाक करते हैं एक दूसरे में, यू नो क्यों? क्यों? हैव अ फन, एंजॉय डूइंग इट। यू नो एक बार फोन किया घर में, आपके बाजू में वो सुनील आदमी रहता है, उसको फोन दो, तो उन्होंने बताया कि यहां कोई सुनील उनील नहीं रहता है, बराबर है। दूसरी बार फोन किया, सुनील रहता है बाजू में, उसको फोन दो, यहां सुनील नहीं रहता है, रॉन्ग नंबर है ये, उसका फोन नंबर आपको मालूम नहीं है, पूछिए बराबर। तीसरी बार फोन किया, आपके बाजू में सुनील रहता है, उसको फोन दो, रॉन्ग नंबर, जोर से लगा दिया। चौथी बार फोन किया, मैं सुनील बात कर रहा हूं, मेरा कोई फोन आया था क्या? हैव अ फन, यू नो मजाक कीजिए, यू नो एंजॉय डूइंग दिस बिजनेस, आई कैन टेल यू। और यू नो ये लाइफ जो है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लाइफ चेंज करना इतना आसान होगा, चेंजिंग योर लाइफ, यू नो आई कैन टेल यू दिस इज वन थिंग। हमारे पास ये जो एमवे ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो अपॉर्चुनिटी है, वो एक पैकेज है हमारे पास, एक ब्यूटीफुल पैकेज है, और उसके जरिए हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छी बना सकते हैं। जो हमने कभी सोचा नहीं था वो ऐसी चीजें हो सकती है हमारे साथ।
हमने कभी नहीं सोचा था हमारे साथ हम यूएसए जाएंगे, हमने कभी नहीं सोचा था कि यू नो हम अपने अपने बच्चों को लेके, हम अपने पेरेंट्स को लेके हम अभी पटाया जाएंगे, हम नवंबर में जा रहे हैं अपने बच्चों को और पेरेंट्स को लेके पटाया, कभी नहीं सोचा था। बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, बहुत तकलीफें थी, बहुत कुछ था, सब कुछ था, लेकिन यू नो उस वक्त वो जो प्राइस पे कर रहे हैं हम लोग, वो जो कीमत अदा कर रहे हैं, उसके जो रिवॉर्ड्स, उसके जो रिटर्न्स आने हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं। आई कैन टेल यू, हमें ये बिजनेस पर बिल्ड करना है, जस्ट यू नो डेवलप सम इमोशनल ड्रीम। क्यों कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए कीमत जो देनी पड़ेगी, जो अपलाइन का जो एसोसिएशन चाहिए। आई वॉन्टेड ऑलवेज, हमेशा मैं चाहता था कि मैं अपने अपलाइन के बिजनेस में ब्लेसिंग बनू, ब्लेसिंग नॉट अ पेन। I wanted to become blessing in my appliance business. हमेशा जब भी वो कभी नाम ले, उनका सीना फुल जाए, मेरे बारे में अगर बातचीत हो तो उनको अच्छा लगे। I wanted to build a business like that. हमेशा इस तरह से काम किया। Don't worry, आपके you know आपको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अभी आप कौन से लेवल पे हो, आपके ग्रुप में लोग कितने हैं, कितने परसेंट पे हो, 9-12% चले गए, फिर से 6% हो गए, डोंट वरी अबाउट इट, किसी ने किट वापस कर दिया, ये सब चीजें होने वाली है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। ओके, क्योंकि हम क्या अचीव करने के लिए जा रहे हैं, ये सब हमें ये देखना है, किस तरह का बिजनेस करना है हमको। एक बैलेंस शीट बनाइए, हम जो अभी नौकरी कर रहे हैं, जो प्रोफेशन हमारे पास है, जो बिजनेस है, उसमें अगर मैं 5 साल हार्डवर्क करता हूं तो मैं कहां हूंगा, अगर एमवे ब्रिट वर्ल्ड वाइल्ड के साथ में रहता हूं तो मैं कहां हूंगा 5 साल के बाद। वो एक बैलेंस शीट करना बहुत जरूरी है। एंड आई कैन टेल यू दिस बिजनेस इज नॉट अ बिग डील, कोई हाईटेक नहीं है ये बिजनेस, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस बिजनेस। इट्स क्या लगता है ये बिजनेस में, द नंबर वन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिल्ड एमवे बिजनेस इज अ कॉमन सेंस। द प्रॉब्लम इज विच इज वेरी अनकॉमन, कॉमन सेंस की कुछ नहीं है। अगर आपके पास राइट थॉट प्रोसेस है तो आप ये कुछ भी कर सकते हैं, आप मिराकल्स कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हम लोग यू नो आप में से कई कई लोग ऐसे कि जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, वी वर्क हार्ड बट वी डोंट स्पीक राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। ऑलवेज स्पीक राइट, हमेशा सही बोलिए। वी यू नो वी आर वर्किंग हार्ड, लेकिन जो स्पीच पैटर्न है मेरा वो बराबर नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, काम तो कर रहा हूं, स्पॉन्सर तो किया है, क्या करेगा ये मालूम नहीं है, स्पीच पैटर्न सही नहीं है। आपको क्या करना है, हमें काम भी करना है और स्पीच पैटर्न भी सही करना है। यस, आई एम गेटिंग क्लोज टू इट, आई एम डूइंग इट, आई यू नो आई एम अ विनर, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, सिंपल इस तरह से। यू नो वो छोटा सा किस्सा जो मैंने बताया, जब बिलब्रिट यू नो वो होम थिएटर में लगा रहे की कोशिश कर रहे थे, वो मुंह से बता रहे थे यू नो वी आर क्लोज टू इट, वी आर डूइंग इट, यू नो वी आर जस्ट क्लोज टू इट, वी आर विल सी इट। वो ये नहीं बोल रहे थे कि ये क्या मशीन है, कभी से चालू नहीं किया, कब ये नहीं हो रहा है, क्या मालूम कौन से कंपनी का है, क्या लाया, नहीं। स्पीच पैटर्न, कीपिंग द स्पीच स्पीकिंग पैटर्न राइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सही बोलो, काम कर रहे हैं सभी, क्योंकि काम करना तो हाथ में है, काम तो सभी कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आ रहे जा रहे, यू नो जर्नी कर रहे, लेकिन स्पीकिंग सही नहीं हो रहा है। और दीवानापन, यू नो दीवानापन, कॉमन सेंस, कीपिंग योर स्पीच पैटर्न राइट, और दीवानापन, कॉमन सेंस बिजनेस। एक आदमी बहुत रात में जा रहा है अपनी गाड़ी से, उसका टायर पंक्चर हो जाता है, टायर पंक्चर होने के बाद अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसको, क्या करे, यू नो वो स्टेपनी खोलना शुरू कर देता है, जैसे उसने नट खोले पीछे मालूम नहीं वो गटर में गिर गया किधर। अभी जब उसने स्टेपनी लगाने के लिए शुरुआत किया तो देखता है तो नट नहीं मिल रहे, क्या करेंगे अभी। ओके, वो दूर देखता है, वहां कहीं तो लाइट जल रही, वो सोचता है वहां जाके कुछ मिलेगा, अगर नट मिल गया तो मेरा काम, नहीं तो यहीं पे रात गुजारनी पड़ेगी।
वहां जाता है, एक आदमी खिड़की में बैठा है, उसको पूछता है कि भाई साहब मैं रात को यहाँ से जा रहा था, गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन वो जो नट थे वो कहीं गुम हो गए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बोलता है यहाँ तो कुछ नहीं होगा साहब, क्योंकि यहाँ पे कोई हार्डवेयर की दुकान नहीं है, सर्विस स्टेशन भी नहीं है, लेकिन आप एक काम करो, आप यहाँ से वापस चले जाओ और बाकी के जो तीन टायर है उसमें से एक एक नट निकाल लो और चौथे टायर में बिठा दो। बराबर है, अभी आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। 10-5 किलोमीटर जाओगे, सर्विस स्टेशन आएगा, चार नट खरीद लेना, हर एक टायर में एक एक बिठा दो, तो आपका काम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आदमी एकदम सरप्राइज हो गया, यार इतना ब्रिलियंट आइडिया मुझे कैसे दिमाग में नहीं आया। बोलता है कि यार आप क्या करते हो? बोलता है ऊपर बोर्ड पढ़ो, बोर्ड ऊपर लिखा है सो एंड सो पागल खाना। बोलता है क्या आप पागल हो? बोलता है हां मैं पागल हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। वी आर मैड बट वी आर नॉट स्टूपिड। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम एमवे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हम डायमंड होने जा रहे हैं। लोग आपको पागल कहेंगे, जो भी कहेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक दीवानापन आपके अंदर आना चाहिए और उसी दीवानेपन से आपको काम करना है, जस्ट काम करते रहना है, करते रहना। यूज योर कॉमन सेंस, कीप योर स्पीच पैटर्न राइट एंड डेवलप वर्क इथिक्स, हार्ड वर्क इथिक्स। वर्क इज द ओनली यू नो ओनली सीक्रेट। क्या यू नो सीक्रेट क्या है? काम करते रहना है, करते रहना है। जब तक वो नहीं होता है तब तक वो काम करते रहना है, नहीं होगा वो सवाल ही नहीं होता है। अभी सवाल ही नहीं होता है। किसी एक ने अगर करके दिखाया, रॉजर बैनिस्टर नाम का आदमी जिसने वो चार मिनट में एक माइल यू नो दौड़ लगाई, उसके पहले ऐसा एक बिलीफ था यू नो पूरी दुनिया में कि आदमी इतने तेज दौड़ ही नहीं सकता है, अगर वो दौड़ेगा तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा, वो मर जाएगा, उसके घुटने यू नो क्रैक हो जाएंगे। सब कुछ किया, लेकिन पहले उसके पहले जब तक कि वो उस वो जो आदमी था रॉजर बेनेस्टर नाम का, वो जब तक अपने यू नो जब तक उसने दौड़ के नहीं दिखाया, उसके पहले ये बिलीफ था पूरी दुनिया में कि कोई भी आदमी उस उतने स्पीड से नहीं दौड़ सकता है। लेकिन जब उसने वो दौड़ लगाई, उसके बाद 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने वो करके दिखाया। क्यों? उसके पहले तो किसी ने नहीं दौड़ लगाई, लेकिन एक आदमी ने करके दिखाया। वो एक आदमी ने करके दिखाया कि चार मिनट में हम एक मील दौड़ सकते हैं। इसके पहले 5 साल हम लोग देख रहे थे पंजाब में डायमंड हो गए, कलकत्ता में डायमंड हो गए, दिल्ली में हो गए, साउथ में किधर हो गए, लेकिन महाराष्ट्र ऐसा नहीं है। वो सब महाराष्ट्र के लोग अलग है, वो नहीं कर सकते। लेकिन अभी अगर एक आदमी संजय शेलार नाम का डायमंड हो सकता है, तो यहां के कितने लोग डायमंड जा सकते हैं? सिंपल, ये बिलीफ अपने अंदर, कुछ नहीं चेंज हुआ है, वही बिजनेस है, वही प्रोडक्ट है, वही फोर बेसिक्स है। यू आर ब्लेस्ड, यू नो आप कुछ पुण्य कर्म किए हैं इसलिए ये बिजनेस में हो। सोचो ऐसे कई लोग हैं, हो सकता है भाई है, हो सकता है बहन है, हो सकता है नेबर है, उनके दिमाग में ये बिजनेस, बहुत सारा एजुकेशन है लेकिन दिमाग में बिजनेस नहीं जा रहा है। डोंट वरी, आप ही के बिजनेस दिमाग में क्यों आया? क्योंकि कुछ पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए थे, इसलिए आज यहां पे बैठे और इसलिए बिजनेस में हो। सिंपल सी बात। सो यू नो वी आर एक्साइटेड अबाउट यू नो दिस बिजनेस, वी आर एक्साइटेड। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है, हम लोग एक्साइटेड है आने वाले फ्यूचर के प्रति, आने वाले फ्यूचर में क्या क्या होने लगे। हम लोग अपने लाइफस्टाइल के बारे में एक्साइटेड है, क्या क्या चीजें होने वाली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल मिलने वाला है। और हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड है लोगों को मदद करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, कि यू नो ये बिजनेस ही हमको ऐसा एक मौका देता है कि मैं लोगों को जाके मदद कर सकता हूं, हेल्प कर सकता हूं। दूसरा कोई प्रोफेशन, दूसरी कोई नौकरी मुझे ये अलाउ नहीं करती है लोगों को मदद करने के लिए। आपको अगर डायमंड जाना है
तो आपको 6 लोगों को मदद करनी पड़ेगी। अभी अगर आपका डिसीजन नहीं है डायमंड जाने का, तो आप जो अभी मदद कर रहे हैं वो मदद आपको बंद करनी पड़ेगी। वेरी सिंपल। तो दोस्तों एक ही चीज कहूंगा कि यू नो वी आर इन द बेस्ट बिजनेस, वी आर ब्लेस्ड विद दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये बिजनेस में सिर्फ हमको पैसे नहीं मिलने वाले, हमारे साथ बहुत कुछ होने वाला है, लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है, पूना में FED आने वाला है। यू नो अभी से टारगेट्स सेट कीजिए कि FED में कितने मेरे लोग आएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत मेजर डिसीजन हो सकता है। और कोई आदमी आपके ग्रुप का डिसीजन लेगा कि अगले FED में ये बिजनेस में मैं डायमंड बन के रहूंगा, क्राउन एम्बेसडर बन के रहूंगा, तो यू नो यू आर जस्ट सिटिंग ऑन द वर्ज ऑफ एक्सप्लोजन। इंडिया में अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है, 650 करोड़ का टर्नओवर किया है MBA ने, सिर्फ 40-50 प्रोडक्ट है। क्या होगा जब 10,000 प्रोडक्ट आएंगे इंडिया में? क्या होगा 1% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन विल बी अ पार्ट ऑफ MBA बिजनेस? क्या होगा? थिंक अबाउट इट, सोचिए। और इसके बारे में यू नो हमें तो नींद नहीं आ रही है इंडिया में। यू नो USA जाके आने के बाद हमारा तो विजन बहुत बड़ा हो गया है। अभी तो यू नो रुकने का नाम ही नहीं, ये बिजनेस में हमारा हमने गोल डेवलप किया है, क्राउन एम्बेसडर के नीचे यू नो हम लोग रुकेंगे नहीं। सो गॉड ब्लेस यू, गो कैम, वी लव यू, वी आर प्राउड ऑफ यू।